क्या काम कर रही है पन्ना? क्या खिचड़ी भी बना रही है साथ में, भिंडी भी दोनों चीज के साथ। खाना हमारा यहाँ पे रेडी है, तो यहाँ पे हमारी खिचड़ी साथ में भिंडी, साथ में कीमा नहीं बल्कि पालक गोश्त है, और साथ में हमारी सलाद और साथ में टैंग वगैरह और रोटी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और यहाँ पे हम जा रहे हैं अनाया को नीचे लेके। कहाँ जा रही हैं आप? नीचे फुटबॉल खेलने जा रही हूँ। तो नया ने आजकल फिर शाम में नीचे उतरना बंद कर दिया है, और रीज़न वही है पुराना वाला कि मैंने अनाया को समझाया है कि किसी से भी डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना? और क्या, किसी से डरने की ज़रूरत क्या है इंसान को। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा ब्रेड निकाल के रखी है अहमद ने, और पिज़्ज़ा जो है बन रहा है, ये पिज़्ज़ा सॉस है। यहाँ जो है चिकन टिक्का हमने तैयार कर लिया है, पैन गरम हो रहा है तो मैं बस इसके अंदर वेजीज डालूंगी। यहाँ पे अनाया बना रही है पिज्जा। अनाया लगाओ सॉस। ये यस, अनाया को तो आता है ना पिज्जा बनाना। अनाया को सब आता है भाई, बस ज्यादा नहीं है ना, इस पे भी थोड़ा सा, इस पे भी है ना ना, इस पे ज्यादा हो गया बेटा। हाँ, अब इसके ऊपर, इस वाले पे, बस बस इस पे, अब इस पे, इस पे। गुड गुड। स्पून दे रहा अनाया को जरा। जल्दी जल्दी अनाया, जल्दी से करें आप। ये जबरदस्त, अच्छे तरीके से, उसमें ज्यादा है ना, उसमें से थोड़ा सा लेके इसमें डाल, हाँ थोड़ा सा उठाओ। चल, और अहमद यहाँ रील्स की मेकिंग कर रहा है, तो आप लोग रील्स देखिएगा और फिर अहमद को अप्रिशिएट कीजिएगा इसके ऊपर। चिकन का पीस डाल दो। यहाँ पर जो है पिज़्ज़ाज जो हैं रेडी हो गए हैं, कुछ चिकन बच गई थी तो हमने कहा सैंडविचेस भी बना लेते हैं, तो अहमद यहाँ रील भी बना रहा है साथ साथ। यहाँ पर सैंडविचेस भी बन चुके हैं, बस इनको अब जो है ग्रिल करना है, बस ग्रिल करते हैं। एमएच का स्पेशल पिज़्ज़ा, वो भी रैप हुआ हुआ, और यहाँ पे सैंडविचेस भी है ना। गाइस यहाँ पे हमारे पिज़्ज़ा हैं, और यहाँ पे साथ में ड्रिंक, और साथ में सॉस, साथ में सॉसेस, और ये सैंडविचेस। हाँ, तो ये बिरयानी आई है मेरी दोस्त के घर से, सनम के घर से, और बहुत ही मज़े की लग रही है, और मुझे तो पता भी नहीं था। अभी मेरी दूसरी दोस्त आई घर पे, तो मैंने कहा ये क्या रखा हुआ है प्लेट में, तो पता चला कि बिरयानी आई भी है। तो माशाल्लाह मोहल्ला इतना अच्छा बन गया है कि रोज़ जो है एक दूसरे के घर हम कुछ ना कुछ भेजते हैं, और इस चीज़ से बरकत भी होती है, तो अल्लाह ताला सब के रिस्क में बरकत दे। तो यहाँ पे अभी मेरी दोस्त आई हुई थी, बस मैं क्लिप नहीं शूट कर पाई क्योंकि वो वीडियोज़ में आती नहीं है, तो रात के कोई बज रहे हैं डेढ़, और अब बस मैं अपना व्लॉग एंड करने लगी हूँ। और यहाँ का माहौल ना कुछ इतना खूबसूरत होता है, रात को बहुत ही खूबसूरत होता है। ये देखें, आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा दूर दूर तक, और यहाँ बैक साइड पे 24 टावर के पास ही इन्होंने सारे एनिमल्स को रखा हुआ है। और मैं वहाँ इसलिए बच्चों को नहीं लेके जा रही क्योंकि आजकल ना ये चिकन पॉक्स और जो स्किन डिजीज़ हैं वो भी काफ़ी फैली हुई हैं, तो बस लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अनाया को एक बार मैं दिखा के लाऊँ सारे एनिमल्स, तो इंशाल्लाह प्लान करूँगी, बस कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। और ईद तो हमारे लिए इतनी बड़ी एक कोई मुसीबत बन जाती है, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि ईद पे बिल्कुल सन्नाटे हो जाते हैं और दिल बड़ा उदास हो जाता है,
क्योंकि इतना ज़्यादा कोई सोशल मैं हूँ नहीं और शहर की तरफ मैं जाऊँगी नहीं ईद के ऊपर, क्योंकि बेइंतहा जो है गंदगी होती है कराची में और बंदा जो है वो अजीब सा दिल हो जाता है ये सब कुछ देखकर। अम्मी की तरफ हो सकता है कि जाना हो, सिस्टर आएगी तो वहाँ मैं इंशाल्लाह फिर जाऊँगी, कुछ प्लान करेंगे उसके साथ मिलके, वरना तो ईद घर पे ही गुजर जाएगी। और यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी मज़े की हवा आना शुरू हुई है, ऐसा लग रहा है कहीं दूर बारिश हो रही है। अल्लाह करे बस ऐसी ठंडी ठंडी हवाएँ चलती रहें। सुना है कि ईद पर जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री से अबव जाएगा, तो भाई हालत बुरी हो जाएगी। वैसे ही जो है कुर्बानी के अंदर आपको पता है कि कितनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है सड़कों पे, और जो सिस्टम है कराची का वो तो बिल्कुल नाकस सिस्टम है इस हवाले से। जबकि सुन्नत इब्राहिमी है तो इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। जब सबको पता है कि हर साल जो है पाकिस्तान में कुर्बानी होगी, तो इन्हें सलाटर हाउस और ऐसे फॉर्म्स बनाने चाहिए जहाँ पे आपको रीज़नेबल एनिमल मिले ताकि हर इंसान कुर्बानी कर सके। आजकल तो कुर्बानी के जानवर कम दिखावा ज़्यादा बन गया है, लोग लाखों रुपए के जानवर ला के उसकी खूब रील्स बना के और उसकी वीडियोस बना के वो उन्हें ये लगता है कि शायद वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जानवर छोटा हो या बड़ा, अल्लाह ताला आपकी नियत देखता है। और उसके बाद जो कहते हैं ना कि वो जैसे बरसाती मेंढक निकलते हैं ना, इसी तरह हर बंदा यहाँ पे कसाई बन जाता है कराची के अंदर इन दिनों के अंदर। और उसके अंदर बड़े हादसात भी हुए हैं कि कुछ दफ़ा तो गाय जो है वो बंदे को लेकर ही भाग गई है, और कुछ दफ़ा जो है गाय गिराते हुए वो बंदे के ऊपर गिर गई है, और एक दफ़ा तो एक जो कसाई है वो उसकी ही डेथ हो गई थी गाय को ज़बा करते हुए। तो ये सारे नॉन प्रोफेशनल्स लोग हैं। एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, एक स्लाटर हाउस होना चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, जानवरों के सामने ज़बा नहीं करना चाहिए। स्पेशली जहाँ इज्तमाही कुर्बानी होती है वहाँ इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता और जानवर को जानवर के सामने ही ज़बा किया जाता है, जो कि बेइंतहा तकलीफ दे अमल है। क्योंकि वो सब कुछ देखते भी हैं और रोते भी हैं, उनके भी एहसास और फीलिंग्स होते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो नॉन प्रोफेशनल कसाई जब कुर्बानी के ऊपर जानवर बनाते हैं तो ये एक के बाद एक जानवर पकड़ते हैं, इन्हें कंसर्न नहीं होता कि वो जानवर की कटिंग किस तरह कर रहे हैं और उसके अंदर गोश्त को इतना गलत तरीके से काटा जाता है जिसकी सूरत में आप लोगों ने देखा होगा कुर्बानी का गोश्त काला पड़ जाता है और उसमें से स्मेल जो हीक होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यही होती है कि जानवर को ना तो वक्त दिया जाता है और वो उसका जो है उसको लटका के उसका जो ब्लड होता है वो ड्रेन नहीं होने देते, उससे पहले ही उसका गोश्त बना दिया जाता है और उल्टा सीधा जैसे भी उनको समझ पड़ता है वो गोश्त बना देते हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए पूरा जो है एक सिस्टम बनाए जिसके अंदर फार्म्स भी हों, जिसमें भेड़ भी हों, बकरियां भी हों, जो एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर लोगों को मिले। अब यहाँ पर देखें आप लाखों रुपए के बकरे, और अब आज तो मैंने सुना है कि गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के ऊपर जो है पूरा एक ट्रक जो है बकरों का, 30 बकरों का जो है ट्रक वो ही स्नैच हो गया और 4 बंदे आके वो ट्रक ही ले गए। तो ये कैसी ईद है और ये कैसे सुन्नत इब्राहिमी है और कैसे लोग जो है इस अमल को बेहतर समझते हैं, क्या इनकी कुर्बानी जायज़ होगी या ये इस तरह दूसरों को लूट के ईद मना रहे हैं। तो ऐसी ईद का फ़ायदा नहीं जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के बनाई जाए। वैसे तो खैर आजकल खून इतना सफ़ेद हो गया है, लोगों को परवाह नहीं ना अपनी औलाद की और ना किसी और की। लोग ईद बकरीद जो भी हो अपनी मस्तियों में मगन है, उन्हें कंसर्न नहीं है किसी से भी कि कौन किस हाल में है और किस तरह से है। तो बस ये अलमिया हो गया हमारे मुल्क का। इसके साथ ही हम अपना आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।